नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आप सुबह के नाश्ते में यानी सुबह के ब्रेकफास्ट में चाय के साथ रोटी, चपाती, भाकरी, खाकरा या फिर ब्रेड, टोस्ट, पाव, बिस्किट, इसमें से कुछ भी चीज़ें खाते हैं या फिर आप ये सभी दूध के साथ भी लेते हैं और वो भी रेगुलर बेसिस पे यानी कभी कभी नहीं, आदत के तौर पे अगर आप इसे ले रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। देखिए, काफ़ी लोग सुबह चाय के साथ रोटी इसलिए भी लेते हैं क्योंकि सुबह काफ़ी बार टिफ़िन के लिए रोटी घर में बन जाती है, अलग से कुछ नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेस्टी भी है, पेट भी अच्छे से भर जाता है, तो ये एक आदत बन जाती है। लेकिन क्या इसे इस तरह से लेना सही है, इसमें आयुर्वेद का क्या कहना है, तो इसकी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार यानी इनकॉम्पैटिबल फूड या फिर अपोजिट फूड कॉम्बिनेशंस का बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन दिया हुआ है। देखिए, चरक ऋषि ने चरक संहिता में विरुद्ध आहार के 18 प्रकार बताए हैं, तो उसमें से एक है संयोग विरुद्ध, यानी कुछ चीज़ें अलग अलग तो चल सकती है लेकिन इन्हें साथ में ये नहीं चल सकती, साथ में लेने से ये विरुद्ध आहार यानी इनकॉम्पैटिबल फूड होता है। तो इसमें एक उन्होंने बताया है कि दूध के साथ कभी भी नमक या नमकीन चीज़ें नहीं लेनी है। तो देखिए, आप जब चाय ले रहे हैं तो चाय में दूध है और जो भी रोटी है, भाकरी है, चपाती है, तो इसमें काफ़ी घरों में नमक भी डाला जाता है। यहाँ तक कि जो बेकरी के प्रोडक्ट्स है जैसे कि ब्रेड है, पाव है, बिस्किट या टोस्ट है, तो उसमें भी नमक रहता है, तो ये संयोग विरुद्ध है। इस तरह का विरुद्ध आहार शरीर में वात, पित्त, कफ, इन दोषों को दूषित करता है, इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। इसके अलावा ये शरीर के धातुओं को भी दूषित करता है, जिसमें जैसे कि आयुर्वेद में सप्त धातु बताए हुए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो इन धातुओं की भी विकृति होती है। यहाँ तक कि शरीर में जो अग्नि है हमारा यानी जो पचाने वाला अग्नि है वो विकृत होता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, डाइजेशन रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं। यहाँ तक जैसे कुछ ऑटो इम्यून डिसीज है या फिर त्वचा से संबंधित बीमारियां है, तो इस तरह की काफी सारी बीमारियां इस विरुद्ध आहार के कारण हो सकती है। वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में हमें बताते हैं, विरुद्धम अपि च आहारम विद्यात् विषम गरोपमम, यानी इस तरह का जो विरुद्ध आहार है वो गर विष के समान, यानी इस तरह से जो स्लो पॉइजन है उस तरह से काम करता है। आप एकाध बार इस तरह का आहार अगर लेते हैं तो आपको इससे कोई असर नहीं दिखेगा यानी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आपके खाने में ये चीज़ें बार बार आती है तो फिर आपको इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियां इसके कारण हो सकती है। काफ़ी लोग आयुर्वेद की जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, इसका बहुत अच्छे से पालन करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, खान पान से संबंधित सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ बीमारी दिखती है। तो इन बीमारियों को समझने के लिए यानी ये क्यों हो रही है इसको जानने के लिए इस तरह के कारणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आयुर्वेद में जब भी चिकित्सा दी जाती है तो सबसे पहली चिकित्सा है निदान परिवर्जन। निदान यानी हेतु, कारण, उस बीमारी होने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, और परिवर्जन यानी उन कारणों को दूर करना, तो ये सबसे पहली चिकित्सा है। और इस तरह का जो विरुद्ध आहार है एकदम से तो कोई असर नहीं दिखाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में भले ही ये छोटी सी बात है लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में इससे जो नुकसान है वो दिख सकते हैं। जब कोई चाय पीता है तो उसका जो अग्नि है वो कम होता है। देखिए, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप चाय पीते हैं तो भूख मर जाती है, तो ये भूख मरना यानी क्या है कि इसने चाय ने जठराग्नि को कम किया, अग्नि को मंद किया। यहाँ तक कि चाय में जो टैनिन और कैफीन है तो इससे भी जो फूड का एब्सॉर्प्शन है तो वो सफ़र होता है, फूड का एब्सॉर्प्शन कम होता है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले अग्नि को कम किया और फिर उसके ऊपर गेहूं से बनी जो भी रोटी है, चपाती है, तो ये डाली। अब गेहूं में देखिए स्निग्धता है, गेहूं जो है उसके गुण जो है गुरु गुणात्मक गेहूं है, यानी पचने में ये अपने आप में ये हेवी है। गेहूं के बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो हमने गेहूं की जो भी प्रॉपर्टीज़ है तो उनके बारे में बहुत डिटेल में उस वीडियो में देखा है। तो इस तरह से ये जो गेहूं है ये पचने में हेवी है, यानी सबसे पहले अग्नि को मंद किया और फिर उसके ऊपर गेहूं यानी पचने में हेवी चीज़ डाली,
और उसमें भी जो लोग चपाती में तेल लगाते हैं या फिर पराठा जैसे बनाते हैं तो इसको तो और हेवी किया, या फिर ब्रेड है जो ऑलरेडी फर्मेंटेड है पचने में हेवी है तो वो डाला। तो इस तरह से अग्नि को मंद करके बार बार इस तरह की चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो ये शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में जमने लगता है। इससे ही अपक्व आहार रस या आम दोष कहा जाता है। और ये वाला जो आम दोष है वो शरीर में काफ़ी सारी अलग अलग बीमारियां दिखा सकता है, जैसे कि डाइजेशन के लेवल पे जैसे एसिडिटी है, इनडाइजेशन है, ब्लोटिंग है, या फिर पेट साफ ना होना है, फूड एलर्जीज है, स्किन से संबंधित बीमारियां है, या फिर आमवात है, गृहिणी है। तो इस तरह की अनगिनत बीमारियाँ इस छोटे से कारण के, यानी कारण तो छोटा सा है या दिखने में ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनके कारण लॉन्ग टर्म में ये सारी बीमारियां दिख सकती है। सुबह जब आपको अच्छी भूख लगती है तब आप रोटी ले सकते हैं, लेकिन रोटी के साथ आप दाल लो या फिर सब्जी आप ले सकते हैं, या फिर जैसे कि गुड़ और घी मिला के भी रोटी के साथ ले सकते हैं, या फिर मिश्री और घी भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से रोटी के साथ लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको अगर उस समय बहुत ही अच्छी भूख लगी है तो नाश्ता ही क्यों, बल्कि आप पूरा आपका प्रॉपर खाना ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों को ऑफिस के लिए जल्दी जाना है, खाना उस समय पर खाना पॉसिबल नहीं है, तो जिनको नाश्ता ही करना है तो वो हल्का नाश्ता कर सकते हैं। फिर इसमें जो हमारा पारंपरिक जो जिस तरह का नाश्ता बनता था, यानी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज है, जैसे कि सूजी है, उपमा है, मूंग का चीला है, तो इस तरह का नाश्ता भी आप ले सकते हैं। इस तरह के ये जो चाय और रोटी है उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, अगर आप नाश्ता कर भी रहे हैं तो उसके साथ भी आपने चाय नहीं लेनी है, यहाँ तक कि उसके आगे पीछे भी नहीं लेनी है, तो उनके बीच में गैप ज़रूर रखना है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बीमारी होने पर ट्रीटमेंट लेने से अच्छा है कि क्यों ना शुरुआत से ही थोड़ी सी सावधानी बरते। तो अगली बार अगर आप भी चाय के साथ रोटी ले रहे हैं तो इन सब बातों के बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।